हेलो SOL स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपको कैसे डाउनलोड करनी है PDF। हाउ टू डाउनलोड द PDF DU सोल डेट शीट 2020 मई जून एग्जामिनेशन। और मैं BA वालों के लिए और BCOM वालों के लिए भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में। गो टू ऑफिशियल वेबसाइट sol.du.ac.in। अभी हम वेबसाइट ओपन करके देखेंगे। नेविगेट द अनाउंस सेक्शन, क्लिक ऑन द डेट शीट और फिर उसके बाद ओपन द सोल DU डेट शीट खोलनी है आपको। चेक द एग्जाम डेट टाइमिंग ऑफ BA, BCOM, BSc ईयर वाइज देखना है एनुअली, ठीक है। और डाउनलोड द डेट शीट 2020 PDF फाइल आपको डाउनलोड करनी है और आप इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इस आर्टिकल में ये इसकी आपको मैं डेट बता देती हूँ। सबसे पहले यह है 7 अप्रैल को, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ये लिंक्स दे रखे हैं। डायरेक्ट लिंक DU सोल डेट शीट 2020 एनुअल सेमेस्टर एग्ज़ाम। अगर हम सबसे यहाँ पे देखें, कोई भी खोल लें हम एनुअल, ये ऑनर सेकंड वाला खोल लेते हैं। इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो ये अभी डाउनलोड हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। ये देखिए ये 12 मई मंगलवार को पेपर है और इसका कोड दे रखा है और डिस्क्रिप्शन प्रिंसिपल और ऑफ इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिंदी लिटरेचर, ये सब इसमें दे रखा है, ठीक है, 2020 मई। अब हम इसको बैक कर लेते हैं। अब हम इसमें कोई भी, अगर हम एक भी कोई भी वेबसाइट ओपन करके देख लें, BSc वालों की खोल के देख लेते हैं, तो इस तरीके से ओपन होके ये भी ओपन हो जाएगी। इसके पेपर कब हैं इसको जूम करके देखते हैं। इनके पेपर हैं 21 मई मंगलवार से, बाकी सब आप देख लेना, लिंक मैं दे दूँगी। चलिए अब ऐसा करते हैं, हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट ओपन करके देखते हैं कोई नया नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है। SOL डाल देते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को। अब ये खुल रहा है, ये आपके सामने ओपन हो गया है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का फ्रंट पेज। इसके नीचे चले जाते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम नीचे जाते हैं, नोटिसेस में देखते हैं, इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन नोटिस अर्चीव कर लेते हैं पूरा फुल। हम इसको पेज में देखते हैं और इसमें आया है नोटिस एकेडमिक काउंसलिंग, वही 31 मार्च वाला है, 13 मार्च को। इसमें हम देख रहे हैं अप्रैल का कोई नोटिफिकेशन आया है, इसमें अप्रैल का तो भाई आया नहीं है, ऊपर ही होता अगर आया होता तो। तो चलिए फिर दोबारा बैक चले जाते हैं। अब हम इसको नीचे देखते हैं। हाँ, ये नंबर आप देख रहे हो ना, इन पर आप कॉल कर लेना, कॉल करते रहना, उनकी ड्यूटी बनती है आपको बताना, जितनी भी क्वेरीज हैं उनसे आप पूछते रहिए। ये इम्पॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स मैं आपको कॉल के दिखा देती हूँ, इनको आप सेव कर लेना। इनको आप सेव कर लोगे, इन नंबरों पे डायरेक्ट कॉल मिलती है और उनसे पूछेंगे आप तो वो आपको जो है बता देंगे। यहाँ पे एक और फंक्शन दे रखा है डाउनलोड मोबाइल ऐप, तो डाउनलोड मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें जो है आपके पास जो है ऐप आपके फ़ोन पे के डेस्कटॉप पे यानी फ्रंट में ऐप जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसमें जो है ये मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, ये देखिए ये अभी काफ़ी ज़्यादा मेरा स्पेस ले लेगा, मैं इसको कर दी हूँ कैंसिल। आपको ज़रूरत है आप इसको जो है डाउनलोड कर लेना। मैं बैक चली जाती हूँ और यहाँ पर आप नंबर्स पर फ़ोन करते रहना, इम्पोर्टेंट नंबर्स पर। और भाई इसमें तो फाइनल डेट शीट फॉर कोर्सेज UG वही 13 मार्च को शो हो रही है। सबसे बड़ा रोना लगा हुआ है ये जो BA वाले हैं और BCOM वाले हैं, इनकी जो डेट शीट आई थी पहले वो डेट शीट पोस्टपोन हो गई। अब चलो पोस्टपोन तो हो गई, कैंसिल हो गई, लेकिन अब बच्चों को कम से कम इतना तो पता चलना चाहिए कि जो 14 अप्रैल को लॉकडाउन खुलेगा, अभी तो इस चीज़ के लिए भी डाउट बना हुआ है कि लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन जो है कुछ विशेष जगहों पर जो है ओपन होगा,
कुछ जो जगह है उनको हॉट स्पॉट जो है निर्धारित कर दिया गया है वहाँ पे, क्योंकि केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, न्यूज़ के टच में रहा करो। और जहाँ पे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन बना रहेगा। और जहाँ पे केसेस की संख्या कम हो रही है, एवरेज है, वहाँ पे लॉकडाउन कुछ समय के लिए फुल स्ट्रिक्टनेस के साथ खोल दिया जाएगा। उसके लिए भी कुछ शर्तें होंगी, क्योंकि 14 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा इसका कोई 100% आपको जवाब नहीं देगा, क्योंकि अभी तक जो हमारे पीएम मोदी जी हैं उन्होंने ही ये बताया नहीं है हमें 100% कि भाई लॉकडाउन खुल जाएगा। अगर वो बोल देते तो सबको पता चल जाता कि हाँ भाई खुल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मीडिया बात करें तो हम कह सकते हैं कि 50-50% चांसेस हैं, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि जिन क्षेत्रों में केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पे सीरियस कंडीशन बनी हुई है और वहाँ पे जो है लॉकडाउन बना रहेगा। और रही आपके एग्ज़ाम्स की बात, तो एग्ज़ाम्स अभी 60% तक ऐसा लगता है कि जो अप्रैल है, अप्रैल का पूरा महीना खिंच जाएगा लॉकडाउन में। 30 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम्स मेरे ख्याल से पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि 14 तारीख के बाद जो है ना आपके पेपर ले लिए जाएंगे, एक नई डेट शीट आ जाएगी। पर स्टूडेंट्स, आपकी जो डेट शीट है ना वो 30 अप्रैल तक डाल दी जाएगी, बट आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 30 अप्रैल के बाद ही होंगे। लेकिन फिर भी 1% 10% चांसेस हैं कि आ भी सकती है, ठीक है? तो तैयारी में कोई कमी मत छोड़ना, कहीं आप ये सोच के बैठ जाओ कि अब तो 30 अप्रैल के बाद ही पेपर है, अब तैयारी में हम ढील छोड़ देते हैं, क्योंकि डेट शीट तो आ नहीं रही है। अपनी तैयारी पूरी रखिए, और डेट शीट डालना जो है उनका काम है, बोर्ड वालों का काम है, वो जब डालेंगे तब डालेंगे, एग्ज़ाम्स तो होंगे ही होंगे। और जितने भी, आपको तो सब कुछ पता ही है, समझदार हो आप सब, घर में रहिए, स्टे एट होम। जितना ज़्यादा हम परहेज करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे सब कुछ एज़ यूज़ुअल होने के। तो जनरली हम जैसे पहले रहते थे उसी तरीके से इंडिपेंडेंटली हम रह सकते हैं, घूम सकते हैं। जब सारा सारे देश के सारे स्टूडेंट लोग जब एक ही जैसी सोच रखेंगे, बहुत इमरजेंसी है तो आप बाहर जाएं, नहीं तो मत ना जाएं, ठीक है? ये सब कुछ आप जानते हो। और एग्ज़ाम्स जो हैं आपके होंगे 30 अप्रैल के बाद, ठीक है? जो भी सूत्र मिल रहे हैं उस अकॉर्डिंग मैं आपको कह सकती हूँ। डेट शीट बेशक आपकी डाल दी जाएगी, कोई ना कोई नोटिफिकेशन अगर आपके 30 अप्रैल के बाद एग्ज़ाम होते हैं तो SOL की वेबसाइट पर कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा, ज़रूर आएगा। उसमें बताया जाएगा आपको कि आपका जो लॉकडाउन पीरियड थोड़ा बढ़ाने की वजह से इंक्रीज जो हो गया है, उस वजह से जो है आपके एग्ज़ाम्स थोड़े दिनों के लिए और पोस्टपोन कर दिए गए हैं, या फिर आपकी डेट शीट डाल दी जाएगी कि इस स्टे में आपके एग्ज़ाम होंगे। और देखते हैं, लेट सी व्हाट विल हैपन, इट विल डिस्क्लोज आफ्टर सम टाइम, वी हैव टू वेट फॉर फ्यू डेज मोर। आज कितनी तारीख है, अगर आप तारीख देखें तो आज तारीख हो गई वेडनेसडे, 8 अप्रैल, 8 अप्रैल। तो 8 तारीख से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 हफ्ते का टाइम है, 6 दिन का टाइम है आपके पास। 6 दिन तक वेट करते हैं, देखते हैं 14 तारीख को लॉकडाउन खुलता है नहीं खुलता। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ क्षेत्र जो है वो हॉट स्पॉट निर्धारित कर दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्ताई हो रही है और बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट, आप इस कंडीशन में सोच सकते हो कि क्या होगा, ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट तो हर क्षेत्र से आ सकता है एग्ज़ाम देने के लिए, किसी का कहीं ट्रांसफ़र हो गया है हो, किसी कोई कहीं शिफ्ट हो गया हो दिल्ली NCR में। अब नोएडा को अगर हॉटस्पॉट कर दिया गया है तो बाहर कैसे निकलेंगे स्टूडेंट? अगर फरीदाबाद को कर दिया गया है तो कैसे निकलेंगे?
दिल्ली को कर दिया गया हो तो कैसे निकलेंगे? तो कुछ इलाके जो हैं अभी देखते हैं 14 तारीख के बाद क्या होता है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आप इस चैनल पे बने रहिए, अगर नया आपने विजिट किया तो इस चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिए। जैसे ही कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है नया, वैसे ही मैं आपको तुरंत उस चीज़ से अवगत कराऊंगी। इसी के साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।